हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हमारी ये आईटी का न्यू 2022 मॉडल है, इसका मॉडिफिकेशन करेंगे। इसके अंदर हम एंड्रॉइड स्टीरियो, सीट कवर और रियर सेफ्टी गार्ड और काफ़ी सारी ऐसी सीरीज इंस्टॉल करेंगे, और साथ में बैक कैमरा भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। लेदर सीट कवर और फ्लोर लैमिनेशन, सारी एसेसरीज वन बाय वन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे निकॉन के 9 प्रो एंड्रॉइड की, जो कि 2GB 16GB मेमोरी वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ब्लूटूथ, नेविगेशन, यूट्यूब, प्ले स्टोर, सारे एप्लीकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके इसको आप रन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो है आप इसमें प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैनुअल निकलता है और प्लस वारंटी कार्ड भी इसमें निकलता है। इसका अनबॉक्सिंग भी हम आपके सामने कर रहे हैं। और ये हमारा हेड यूनिट है, जो कि निकॉन 9 प्रो का हेड यूनिट है। इसमें गोरिल्ला ग्लास कंपनी फिटेड रहता है, हीट सिंक आईसी रहती है और सब कपलर टू कपलर कनेक्टिविटी रहेगी। ये हमारा GPS एंटीना, पावर केबल, माइक, वायर, सारा कुछ कंपनी इसके अंदर ऑलरेडी अटैच करके देती है। और सबसे मेन चीज़ ये हमारी ग्लोसी फ्रेम है, जो कि सबसे प्रीमियम फ्रेम है। बाकी मार्केट में आपको ज़्यादातर मैट ब्लैक का फ्रेम देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको ग्लोसी फ्रेम देखने को मिलेगा। काफ़ी मजबूत और बहुत बढ़िया क्वालिटी का फ्रेम है, अदर फ्रेम से हटके है। और इसके अंदर हमारा एंड्रॉयड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। यह हमारा हाइपरसोनिक का कैमरा है, जो कि नाइट विज़न है, वाइड एंगल कवर करता है और जो नॉर्मल कैमरे मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे हटके है। और इसका व्यू फुल HD और LED के साथ है। कंपनी इसकी भी वायरिंग और क्लिपिंग सारी साथ देती है। और साथ में इसमें हम लगाएंगे टेम्पर्ड ग्लास, जो हमारी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा, जो स्क्रैच वगैरह से इसको बचा के रखेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री में जो कि हमने दिया है। साथ में कंपनी की ये जो स्क्रीन पे पन्नी लगी है इसको निकाल कर हम अपना टेम्पर्ड ग्लास फिट कर देंगे। इसके फिटमेंट भी हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे टेम्पर्ड ग्लास को लगाया जाता है। सेम आईपैड या फ़ोन की तरह टेम्पर्ड को साफ करके रख कर प्रेस करना है बढ़िया तरीके से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसको बढ़िया तरीके से प्रेस कर दिया गया और ऊपर की जो इसकी पिन्नी है इसको निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारा टेम्पर्ड इंस्टॉल हो चुका है और ग्लॉसी फिनिश के अंदर ये काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है और स्क्रीन को प्रोटेक्ट करे। अब हम बात करते हैं हमारे कंपनी के स्टॉक प्लेयर की, जो कि खाली टच प्लेयर है, कोई वीडियो या स्क्रीन इसके अंदर नहीं होती है। इसके सारे कपलिंग को हम निकाल कर आउट कर देंगे और हमारा जो एंड्रॉयड है उसको सॉकेट टू सॉकेट इसी कनेक्टिविटी पर इंस्टॉल करेंगे। और ये कैमरे का जो लीड है हमारा, इसका भी सॉकेट लगेगा और मेन वायर का जो लूम है इसका भी सॉकेट इंस्टॉल होएगा। ये इसका जो फीमेल पॉइंट है ये हमारे हाथ में है और हम इसको सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शन दे के हमारे प्लेयर को ऑन करेंगे और किसी किस्म की कोई वायरिंग ब्रेक या कट नहीं लगेगा इसके अंदर। जैसा कि कंपनी वाले बताते हैं कि वायरिंग अगर कट हुई या ब्रेक हुई या टैप वैप करा तो कंपनी इसकी वारंटी को आउट कर देती है, तो इसलिए इसका जो भी कनेक्शन है हम पूरा सॉकेट टू सॉकेट करेंगे, कंपनी की वायरिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये हमारा प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है, इसका फिटमेंट बाकी है, वायरिंग कनेक्शन तकरीबन हो चुका है। और ये हमारा माइक है, जो कि स्टेयरिंग के जस्ट ऊपर है। चलती हुई कार के अंदर भी आप इसको बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं, कोई नॉइस नहीं होगा और ड्राइवर को काफ़ी ईजी रहेगा ब्लूटूथ पर बात करने में। यह हमारा प्लेयर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस, ये सारे एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत बढ़िया और स्मूथ वर्क कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का हैंग नहीं होता है। और ये हमारा स्टेयरिंग माउंट को भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इसको लर्न कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप भी अपनी क्रेटा में कोई मिसमैच एंड्रॉइड का स्टेयरिंग रिमोट हो तो उसको मैच कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी इजी और सिंपल तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको स्क्रीन पर टच करके स्टेयरिंग माउंट का बटन को होल्ड करना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट और रिवर्स वाले बटन को भी हमने कनेक्ट कर लिया है
और ऐसे वन बाय वन करके सारे जो की है सब कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा ब्लूटूथ का स्विच है जो स्टेयरिंग के नीचे साइड दिया हुआ रहता है, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सारी की सिलेक्ट हो चुकी है और सिस्टम के अंदर से कमांड देकर इसको सेव करना रहता है, और कुछ कीज़ इसके अंदर फ्री रहती हैं जो कि कनेक्ट नहीं होती, कंपनी माउंट के अंदर ऑप्शन नहीं देती है। यह हमारा स्टीयरिंग माउंट ऐड हो चुका है, सारी कीज़ प्रॉपर वर्क कर रही हैं। यह हमारा वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, नेक्स्ट, फॉरवर्ड और यह मोइट का ऑप्शन है। इससे आप ब्लूटूथ, FM, म्यूज़िक, वीडियो इस पे जाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी कीज़ प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है। और सबसे बढ़िया दोस्तों, इसके अंदर आप एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड दोनों प्ले कर सकते हो, गूगल मैप प्ले कर सकते हो, स्पॉटिफाई और यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आप जो है बढ़िया तरीके से रन कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ ये फुल अल्ट्रा HD एंड्रॉइड है, इसमें आप किसी भी फॉर्मेट में वीडियो चला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 4K वीडियो है ये क्वालिटी वाइज, और कैमरे के अंदर ही काफ़ी क्लियर दिख रहा है ये। दोस्तों हमारा एंड्रॉइड पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और फिटिंग, फिनिशिंग और इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है फाइबर्स की, काफ़ी बारीकी के साथ इसको फिट किया जाता है ताकि कोई कह नहीं सके कि भैया ये आफ्टर मार्केट वर्क है। आपको पूरा कंपनी फिटेड काम मिलेगा हमारी शॉप पर। अगर आप भी अपनी IT का कार के लिए या एंड्रॉइड परचेज करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लैदर सीट कवर की। इसके अंदर हमने अब हम बात करते हैं हमारे सीट कवर की, जो कि ब्लैक और क्रीम के कॉम्बिनेशन में है। ये सीट कवर लैदर सीट कवर है, पूरा 7-सीटर प्रॉपर सीट कवर इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया और यूनिक लुक हमारी Ertiga कार के अंदर आ चुका है, और कहीं से यूनिवर्सल वर्क नहीं दिखता, प्रॉपर वर्क है, डबल स्टिच में फुल डिज़ाइनिंग सीट कवर है। अभी इसके हेडरेस्ट फिट होना बाकी हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मरेस्ट वाला एरिया है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर हम जो आर्मरेस्ट लगाएंगे वो कलर से मैच करके और बढ़िया फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर ये मूवेबल पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि अगर हैंड ब्रेक में या किसी और वजह से ये बीच में आता है तो इसको आप लेके स्ट्रेट सीधा कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर एक पॉकेट भी दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपना मोबाइल, पर्स, वॉलेट, चार्जर, ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। लेदर फिनिश में ऊपर से क्रोम की इसके अंदर लेयर से साइड से भी क्रोम आपको फिनिश देखने को मिलेगा, और स्टेप के अंदर आपको मेटल का स्टेप है, इसको ईजली तरीके से हम फिट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम इस तरीके से फिट करेंगे। सीट के अंदर भी ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा सीट को आगे पीछे करने में, और आपका जो मोबाइल चार्जर है वो भी फ्री रहेगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट है, ये भी काफ़ी बढ़िया है और फ्री है। और फ्रंट लुक की बात करें तो इसको आप आर्म को रेस्ट करा सकते हैं, बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसको हमने फिट कर दिया है। और ये आर्मरेस्ट की जो अगर प्राइस की हम बात करते हैं तो ये काफ़ी रीज़नेबल है, मात्र आपको 1200 से 1500 के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप भी अपनी कार के लिए ये आर्मरेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे रियर सेफ्टी गार्ड की, जो कि 2 इंच का पाइप है। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर मोल्डिंग है, अगर कोई चीज़ बाइक प्रोटेक्टर भी इसको कह सकते हैं, अगर पीछे से कोई भी मार पड़ती है तो आपका बम्पर और कार दोनों सेफ रहेगा और कोई डेंट नहीं आएगा। 16 गेज का पाइप है
और अब हम बात करते हैं हमारे 5D मैट की, जो कि पूरी कार के अंदर आगे से पीछे तक इसको इंस्टॉल किया गया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर और बढ़िया वीडियो बना सकें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।